प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आज राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सीओ कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को रद्द करने के साथ ही इन पदों को पूर्व की भांति पदोन्नति से भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में पदोन्नति हो रही है लेकिन शिक्षक पदोन्नति से वंचित हैं। इस पर प्रधानाचार्य, सीधी भर्ती पूरी तरह से शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात है। वजह यह है सर कि जो प्रधानाचार्य के पदों पर जो सीधी भर्ती निकाली है, हम उस सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि पहले की तरह इन पदों पर पदोन्नतियां प्रमोशन के थ्रू जो है इस जो ये प्रधानाचार्य के पद हैं इनको भरा जाए। पहले से पदोन्नति के द्वारा इन पदों को भरा जाता था लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार इन पदों को भर रही है और उसमें भी केवल लिमिटेड वर्ग के लिए ही ये जो सीधी भर्ती है इसको खोला गया है। इसमें सबसे बड़ा जो इसमें सरकार के द्वारा जो उपेक्षा की गई है वो ये किया गया है कि जो लेक्चरर हैं उनको जो है जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उन्हीं को इसमें मौका दिया गया है और LT जो संवर्ग है उसकी इसमें पूरी तरीके से उपेक्षा की गई है। तो इसलिए जो है राजकीय शिक्षा संघ के बैनर तले इस भर्ती का हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हमारी जो धरना प्रदर्शन आज चल रहा है ये प्रधानाचारी सीधी भर्ती जो उत्तराखंड सरकार द्वारा निकाली गई है इसके विरोध में है। हमारा एक ही मांग है कि जो आज तक 100% पदोन्नति से हमारे वरिष्ठ साथियों का प्रमोशन होता था उससे प्रधानाचारी बनते थे वही 100% पदोन्नति पुनः लागू की जाए और इस भर्ती नियमावली को निरस्त किया जाए और इसी को लेकर हम धरना प्रदर्शन में। राजकीय शिक्षक संघ की एक सूत्री मांग है कि जो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि हमारा राजकीय शिक्षक संघ पूरे प्रांत में सड़क पर उतर चुका है और ये प्रधानाचार्य की टेढ़ी सीधी भर्ती को निरस्त कराकर ही चैन